नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी और मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ चर्चा द ट्रुथ। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए आप तक किसी भी विशेष विषय की विशेष जानकारियाँ पहुँचाएं। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर क्या विशेष जानकारियाँ चल रही हैं, क्योंकि चौथे चरण का जो चुनाव प्रचार है उसका शोर थप चुका है। और ये जो चौथा चरण है, उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होगा और ये जो 13 सीटें हैं ये वर्तमान में सभी के सभी बीजेपी के खाते में है। लेकिन इस बार बहुत ही उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडिया अलायंस जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, तो और कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि अलग अलग मुद्दों को बीजेपी यहाँ पर इसका प्रभाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असर शायद उतना नहीं हो रहा है, इसलिए कोई नैरेटिव भी नहीं सेट हो पा रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत ही गहराई से समझने वाले, व्यापक अध्ययन रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं, आत्मजीत सिंह। आइए उनका स्वागत कर लेते हैं चर्चा द ट्रुथ में। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आत्मजीत सर आपका इस कार्यक्रम में, और उम्मीद करूंगी कि आप ने अपनी व्यस्तता से समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। लेकिन जिस सक्रियता से आप डटे हुए हैं वहाँ पर और चुनाव को इतने करीब से होते हुए देख रहे हैं, चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश कितनी तैयार हो चुकी है, वहाँ पे मतदाताओं में कितना जोश देखने को मिल रहा है? पहले तो मैं ये समझना चाहूँगी कि फोर्थ फेज और यूपी के मतदाता किस तरह का रुझान आप देख पा रहे हैं। देखिए, इसमें दो चार बातें मैं आपको कुछ विश्लेषण दूं, उससे पहले दो चार बातें मैं आपको बता दूं, उसमें मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जी। इस बार यूपी के इलेक्शन में कोई खास वेव नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, किसानों की MSP का मुद्दा, श्रमिकों के न्याय का मुद्दा, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो टैनी साहब को टिकट दे के अमित शाह साहब ने ये कह दिया कि मैं इनको बड़ा आदमी बनाऊंगा, और आज केजरीवाल साहब ने ये कह दिया कि 75 साल पे मोदी जी रिटायर होने वाले हैं, 303 क्या थी, इन पे 270 भी नहीं आ रही हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए जोड़ तोड़ करके सरकार तो बना ले, उसके बाद अमित शाह के हवाले कर दें, और अमित शाह जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो आपके चैनी साहब हैं वो गृह मंत्री बनेंगे, पर उनपे 120B का मुकदमा भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल साहब CM बनके जेल से दिल्ली की सरकार चला सकते हैं, तो अजय मिश्रा टैनी साहब गृह मंत्री बनके अपने वो भी केस उन पे दाखिल है, वो भी गृह मंत्रालय चला सकते हैं। इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं और लोग उस बात को लेकर चिंतित हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, देश का जो अल्पसंख्यक समाज का आदमी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो अन्य जातियों का है, वो एकमुश्त जो है बीजेपी के खिलाफ खड़ा है। ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस पीपल ऑफ इंडिया है, और इसमें जो तमाम SC ST OBC समाज के लोग हैं, कल आपने देखा राहुल गांधी का एक लखनऊ में प्रोग्राम हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, उसमें उन्होंने SC ST OBC समाज से माफी भी मांगी और कहा कि 90% आबादी वाले लोगों के लिए कोई भी गवर्नमेंट स्कीम नहीं लेके आती है, 90 में से 3 सेक्रेटरीज जो हैं वो SC ST OBC समाज के हैं, जबकि बाकी 87 जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, ब्यूरोक्रेसी भी अपर कास्ट चलाती है, इस करके SC ST OBC का न्याय नहीं मिल रहा है, ना उनको आरक्षण ठीक से मिल रहा है, उनकी सीटें जनरल सीटों में कन्वर्ट की जा रही हैं, और ये हम सब जो है संविधान की शपथ लेके उन्होंने कहा कि हम संविधान में जो भी अनुच्छेद हैं जो इन लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं SC ST OBC समाज के लोगों को, उसके हम राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार बनाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे। SC ST OBC समाज का जो आदमी है, दलित आबादी का जो आदमी है, जो 2014 में राम मंदिर के नाम पे वोट दे रहा था, और जो 2019 में पुलवामा और मोदी जी की सेना के बालाकोट पे हमले के एंडोर्समेंट में खड़ा था, वो आज जो है वोट खिसक गया है। वो वोट ना मायावती को पड़ रहा है, ना वो क्षेत्रीय दलों को, आपने देखा पिछले इलेक्शन में स्वामी प्रसाद मौर्य, राजभर साहब, अपना दल वाले सोनेवाल, लाल सोनेवाल के परिवार के लोग, बहुत सारे उनके जो है फुटेज भी आती थी और बहुत सारा उनको इंपॉर्टेंस भी मिलता था, पर ये इलेक्शन जो है वो सिर्फ दो अलायंसेस का रह गया है, NDA अलायंसेस वर्सेस इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस, NDA अलायंस पे उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं भारी मिलता नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है, इस दफा पाकिस्तान वाला मुद्दा जो है, जो मुसलमानों से अटैच कर दिया जाता है, जैसे कि घुसपैठिए बांग्लादेश के आ गए, पाकिस्तान जो है वो हमारे टेररिस्ट भेज के, अब क्योंकि आर्टिकल 370 हट गया है, टेररिज्म वाला मामला कोई मामला बचा नहीं है, क्योंकि ये सरकार खुद ही कहती है कि हमने टेररिज्म खत्म कर दिया और घुसपैठियों को आने नहीं देंगे, NRC CA उन्होंने उत्तराखंड में लगा दिया, असम में लगा दिया, ये सब चीजें जब वो कह रहे हैं तो इससे बात क्लियर हो जाती है
कि ये सरकार जो है वो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे है, तो वो जीरो टॉलरेंस की वजह से पाकिस्तान का मुद्दा खत्म हो गया, तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मुद्दा बचा ही नहीं कोई, सरकार खुद ही कह रही है। तीसरी बड़ी बात जो है, आप अगर अर्थमेटिक भी देख लें, वोट शेयर में 2014 में 31% वोट शेयर पे बीजेपी ने सरकार बनाई थी, इस दफा भी बीजेपी को कोई 50% वोट मिलने वाला नहीं। इस दफा अगर आप देखेंगे इलेक्शन बराबरी का है, 2-3% मार्जिन से ये इलेक्शन डिसाइड होगा, कई सीटों पर बड़े मार्जिन से भी डिसाइड हो सकता है, पर उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बात निकल के आ रही है कि 50-50 का मामला है, अगर 40-42 सीटें बीजेपी के पास आती हैं, 38-40 सीटें इंडिया अलायंस के पास भी आएंगी, तो दिल्ली का रास्ता इतना आसान नहीं है, कठिन है, आगे आने वाला समय मुश्किल घड़ी बता रहा है मोदी सरकार की। जी, तो ये जो आप विपक्ष इंडिया अलायंस की मजबूती की बात कर रहे हैं, तो यूपी में लहर किसकी चल रही है, अखिलेश भैया की चल रही है या राहुल भैया की चल रही है? जैसे मैंने आपको बताया, ये इलेक्शन जो है पीपल वर्सेस मोदी है, इसमें अखिलेश की नीतियों पर ये वोट नहीं जा रहा है। आपको मैं बता दूं, यहाँ का जो मुस्लिम है वो एक मुस्त खड़ा है कि हमें बीजेपी को हराना है, और भारत जोड़ो यात्रा जो पहले चरण की निकली थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो दूसरे चरण में निकली थी, उसने इनके मुसलमानों के, दलित के और ओबीसी एससी एसटी के और जो विभिन्न वंचित समाज के लोग हैं उनको ये अश्योरेंस दे दी कि ये सरकार ने 10 साल में अगर हमें आरक्षण ठीक से नहीं दिया, हम लोगों के लिए कोई स्वास्थ्य और शिक्षा के रोजगार के साधन नहीं उत्पन्न किए, तो ये सरकार सिवाय वो 22 परिवारों को जिनको उन्होंने 40-45% संसाधन दे दिए कि उन्हीं के लिए कार्यरत कर रही है। और जब मोदी जी ने यह कह दिया कि टेम्पो भर के पैसा, आपको याद होगा करीमनगर की मीटिंग में तेलंगाना में उन्होंने कहा था कि टेम्पो भर के पैसा कांग्रेसियों के पास जा रहा है, तो ये बात क्लियर हो जाती है कि अगर टेम्पो भर के पैसा जा रहा था तो मोदी जी की सेना जो कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, जो 100 करोड़ के लिकर स्कैम के खाली सूंघ के पहुंच जाती है और 4 लोगों को जेल में डाल देती है, जिसमें मुख्यमंत्री भी दिल्ली के हैं, उप मुख्यमंत्री भी है, सत्येंद्र जैन साहब मिनिस्टर भी हैं, हेमंत सोरेन को चीफ मिनिस्टर झारखंड को जब जेल में डाल देती है, तो उन्होंने उस टेम्पो को क्यों नहीं पकड़ा जी। और वो टेम्पो जिसमें मोदी जी विश्व गुरु होते हुए जब यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, तो ये टेम्पो उनके हाथ में क्यों नहीं आया? उसके बाद आपने देखा एक दिन की शांति रही, 9 तारीख को मोदी जी कहीं नजर नहीं आए इलेक्शन मीटिंग करते हुए जी। उनका कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ, तो क्या वो अपने आकाओं के पास जाके माफी मांगने गए थे कि मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गई है? और उसके बाद जब उड़ीसा की मीटिंग में वो नजर आए दोबारा, तो उन्होंने उड़ीसा की मीटिंग में क्या कहा कि नवीन पटनायक साहब को अपने 20 जिलों की कैपिटल का नाम भी नहीं पता है। मोदी जी भूल गए कि कैपिटल तो स्टेट की होती है, जिलों की नहीं होती है, कंट्री की होती है, किसी शहर की नहीं होती है। तो इस तरीके के स्लिप ऑफ टंग्स मोदी जी लगातार देते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 10 साल के कार्यकाल में 365 दिन में जब 18 घंटे उन्होंने काम किया, उस वजह से उनको अब मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। जी, तो आप वही बात दोहरा रहे हैं कि अगले साल वो रिटायर हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे, इसलिए केजरीवाल ने कहा है कि अमित शाह को वो अपनी सत्ता जो है वो सौंप देंगे। ऐसे में अमित शाह का जो आपने जिक्र भी किया, जो अजय मिश्रा टेनी है, उनके लिए चुनावी जनसभा में ये कहना कि मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा, बड़ा आदमी सिर्फ गृह मंत्री से हम समझे आशय इसका, या फिर और भी क्या उन्होंने प्लान कर रखे हैं अमित शाह? क्योंकि आप तो उसी क्षेत्र में हैं, कैंपेनिंग से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच देख रहे हैं, उसको कवरेज कर रहे हैं, तो मैं समझना चाहूँगी खीरी जो सीट है वहाँ पर अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार चुनावी मैदान में है। जी सर, मैं समझना चाहूँगी कि इस वक्त मेरे ख्याल से आप उसी इलाके में हैं जहाँ पर अजय मिश्रा टेनी तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, आप कोई किसी किस्म का गुस्सा देख पा रहे हैं, या फिर वहाँ पर जो उन पर भरोसा है मतदाताओं का वो अंधभक्त की तरह है? देखिए, यहाँ पे अब जो चुनाव होने वाले हैं चौथे चरण में, वो 13 मई को होने वाले हैं, उसमें जो सीटें हैं मैं उन सीटों का आपको बता दूं। अकबरपुर में तीसरी बार इनके मौजूदा सांसद जो हैं देवेंद्र सिंह भोले लड़ रहे हैं, बहराइच में इन्होंने उम्मीदवार बदल दिया है, इटावा में भी जो है बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया जो हैं वो तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं, 2014 और 19 में राम लहर में और पुलवामा शहीदों के जो शहादत थी उसके ऊपर ये लोग इलेक्शन जीते थे। सीतापुर लोकसभा में राजेश जो हैं आपके वर्मा,
ये पहले बीएसपी के दो बार एमपी रहे और फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली 2014 की रामलहर में, 2019 के पुलवामा के बाद इन्होंने चुनाव जीता। इस बार उनका चुनाव मुश्किल हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनका वर्मा वोट भी खिसक गया है और मुस्लिम वोट एक मुश्त हो गए, अब सपा बसपा में डिवाइड नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी कैंडिडेट्स की कठिनाइयां बढ़ती जा रही हैं। खीरी लोकसभा की आपने बात की, उसमें अजय मिश्रा टैनी दो बार के एमपी रहे हैं, उनका जो समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा है, वर्मा वोट 2.5 लाख वोट वर्मा वोट है, अगर इसमें 3 लाख वोट जो मुस्लिम वोट है वो अगर उत्कर्ष वर्मा को इकट्ठा मिल जाता है साइकिल पर, तो 5.5 लाख वोट लेकर ये अजय मिश्रा टैनी की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इतना आसान इलेक्शन नहीं रहेगा खीरी में। और दौरहरा में भी कुछ ऐसा ही मामला है, रेखा वर्मा वहाँ इनकम्बेंट एमपी हैं पिछले 10 साल से, और समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया जो वहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस बार उनका इलेक्शन अच्छा जा रहा है। तो और हरदोई लोकसभा सीट में 10 साल से बीजेपी का कब्जा है, जैसे मैंने आपको बताया जयप्रकाश रावत मैदान में है, समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा लड़ रही हैं हरदोई में, जबकि जी उषा वर्मा लड़ रही हैं, वो पहले भी सांसद रही हैं, इसलिए हरदोई लोकसभा इलेक्शन भी इतना आसान नहीं रहेगा। मिश्रिक एससी सीट है, अनुसूचित जाति की सीट है, बीजेपी ने मौजूदा सांसद डॉक्टर अशोक रावत को फिर से मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी से यंग कैंडिडेट संगीता राजवंशी को टिकट दिया गया है। उन्नाव लोकसभा सीट में साक्षी महाराज तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फरकाबाद में लोकसभा सीट में बीजेपी का कब्जा है, दो बार के सांसद मुकेश राजपूत हैं। कन्नौज से इस बार अखिलेश यादव खड़े हैं। शाहजहांपुर लोकसभा से सांसद अरुण कुमार सागर पहले पिछले चुनाव में 2.5 लाख वोटों से जीते थे, शाहजहांपुर में वो हैं। और कानपुर में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद को टिकट काट दिया गया है, पार्टी ने रमेश अवस्थी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के आलोक मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। इसमें जो सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती नजर आ रही हैं, उसमें सीतापुर सीट प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पे एक राकेश राठौर इनके बीजेपी के एमएलए थे, जो जब 2020-21 में लॉकडाउन आया और उसमें जब ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर की और जब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कमी आई और अस्पतालों में देखा गया कितनी लाशें जो हैं उनको जलाने के लिए भी लकड़ी नहीं थी उत्तर प्रदेश में, तो ताली और थाली बजवाई जा रही थी, तो उन्होंने मोदी सरकार की आलोचना की, उसके बाद बीजेपी से रिजाइन कर दिया। चेयरमैनी का इलेक्शन लड़े, 10,000 वोट पाए, इंडिपेंडेंट लड़े और बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं। इनका अपना समुदाय का करीब 75,000 वोट है, 75,000 कांग्रेस का वोट है, 3 लाख वोट मुस्लिम समाज का है जो एकमुश्त खड़ा है, और वर्मा वोट भी इस बार कटेगा। जनरल सीट है, ओबीसी कैंडिडेट हैं, जाहिर सी बात है इस बार वो बहुत टक्कर देंगे और बीजेपी के कैंडिडेट इस बार घबराए हुए हैं, तो सीतापुर सीट कुछ उलट पुलट होने वाली है यहाँ पे। कन्नौज की सीट, सीतापुर की सीट, खीरी की सीट, और जैसे मैंने आपको बताया हरदोई की सीट जहाँ पूर्व सांसद उषा वर्मा लड़ रही हैं, ये 4-5 सीटों, बहराइच की सीट जिसमें नए कैंडिडेट हैं, ये 4-5 सीटों पर कड़ी टक्कर इंडिया अलायंस देती नजर आ रही है, जबकि पिछले इलेक्शन में इन 14 सीटों में से करीब 13 सीटें जो थी वो बीजेपी के खाते में थी, तो अगर 5 सीटों का नुकसान इधर भी हो जाता है तो कुल मिलाकर 38 से 40 सीटों पर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है बीजेपी से लीड लेती हुई नजर आ रही है। और अगर 40 सीटों पे इनको नुकसान हो जाता है तो दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से नहीं गुजरेगा, और जाहिर सी बात है कि फिर से कोई गुजरात का जो कैंडिडेट या गुजरात के कोई जो उसमें क्लेम करने वाले जो पीएम साहब है अमित शाह साहब जो पूरा गृह मंत्रालय चला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मोदी जी का रिटायरमेंट का समय आ गया है और अमित शाह जी का प्रधानमंत्री का समय आ गया है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर देश की कार्य व्यवस्था और देश की न्यायपालिका का क्या हाल होगा, किसका लोया लोया होगा, ये सोचते भी डर लगता है। जी लेकिन जिस तरीके से आपने बोला कि कड़ी टक्कर देते हुए इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो नजर आते हैं, तो क्या हिंदी हार्टलैंड में भी ये तमाम जो मुद्दे हैं खास करके मुस्लिम आरक्षण को लेकर जिस तरह से खुलकर पीएम मोदी बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, मुस्लिम की आबादी पर बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसका कोई असर नहीं हिंदी हार्टलैंड में उत्तर प्रदेश में? देखिए हिंदी हार्टलैंड में जाहिर सी बात है राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठान हो गए, पहले ये लग रहा था कि शायद देश के 20% मुसलमान जो हैं वही राम मंदिर के निर्माण में बाधा खड़े हैं, और जब उन्होंने अपना जब केस खत्म हो गया उसके बाद उन्होंने दोबारा उसमें कोई आरोप जो भी है उसमें कोई पटिशन नहीं डाली या उसका कोई विरोध नहीं किया और चुपचाप जो जमीन मिली उन्होंने ले ली, तो वो उनका अवरोध खत्म हो गया। अब मोदी जी के पास बचा क्या? मोदी जी ने ये भी कह दिया मैं सीए लागू कर दूंगा,
मैं यूसीसी लागू कर दूंगा स्टेट लेवल पे, जबकि यूसीसी तो सेंट्रल लेवल पे लागू होनी थी, फिर उन्होंने कहा उत्तराखंड में लागू होगी, असम में लागू हो गई। अब मान लीजिए अगर 10 साल में 2 स्टेटों में लागू हुई है तो 29 स्टेटों में लागू करने के लिए तो मुझे लगता है 10 साल और लग जाएंगे। तो ये जो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है वोट्स को पोलराइज करने का, ये शुरू शुरू में तो एजेंडा बहुत अच्छा होता है, पर उसके बाद उसमें विविधताएं आ जाती हैं। वो विविधताएं इस तरीके की आ जाती हैं, ब्रेक ले लूँ क्या? नहीं आगे मैं ओके जोशी जी का फोन आ गया। ओके जोशी जी का फोन आ गया हरिशंकर जोशी, वो काटता हूँ ना तो स्काइप कॉल कट जाती है। ओके जी ओके सर शुरू करूँ वहीं से? वन सेकंड सर, आपका थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, कैमरा शायद एडजस्ट कर रहा है। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है सर, यू कैन कंटिन्यू। मुझे लगता है विद इन फ्यू मिनट अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, सो यू कैन कंटिन्यू। जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं रीलॉग इन करता हूँ, एक मिनट रुकिए। कितना ड्यूरेशन कितना हो गया एक नोट कर लो, सेकंड सेगमेंट का 6:30। ठीक जी सर जी ठीक है सर, वहीं से शुरू करो। जी 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 बिल्कुल जी। तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो लोगों में संशय ये पैदा हो जाता है कि ये देश में मौजूदा सरकार चला कौन रहा है? ये सरकार अदानी चला रहा है, अंबानी चला रहा है या मोदी जी चला रहे हैं? क्योंकि जब मोदी जी ने अदानी और अंबानी को एक्यूज किया कि वो टेम्पो में पैसा भेज रहे हैं तो बहुत सारी चीजें लोगों के सामने आ गई। लोगों ने ये पूछना कर शुरू कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा क्यों फिर मोदी जी को मिल रहा था? अगर अदानी जी और अंबानी जी ट्रक में पैसा भेज सकते थे तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने की क्या जरूरत थी? देश के सारे पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, बिजली के कारखाने और बिजली के एक्सपोर्ट के लाइसेंसेज जिस तरीके से अदानी को दिए गए, ये सब देने की क्या जरूरत थी? अगर उनको पता था कि ये सब देने के बाद भी अदानी उनको धोखा देंगे और कांग्रेस को पैसा चला जाएगा, तो ये बहुत सारी बातें हैं। गुजरात मॉडल में अदानी साहब के विमान में बैठे जब फोटो खिंचाई थी मोदी जी ने, तो मोदी जी को इस बात का पता नहीं था कि अदानी साहब उनको झांसा देकर निकल जाएंगे। फिर रिलायंस एरोडायनेमिक्स को रफेल विमानों की कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया मेंटेनेंस का? अगर उनको लग रहा था कि उनके बड़ा ही अंबानी साहब जो है वो एंड टाइम पे बदल जाएंगे। आपने देखा किस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम मोदी मीडिया कहते हैं, इसमें इंडिया टुडे आज तक ग्रुप है, इसमें जी टीवी का ग्रुप है, सडनली वो लोग जो हैं अब मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं उनके मैनिफेस्टो पर, उनके कार्यकलापों पर। आपको याद होगा 2014 और 19 के जब इलेक्शन के बाद में, खासकर 2019 जब 2014 का इलेक्शन आना था, उस समय कोलगेट को लेकर, मनमोहन सिंह को लेकर बहुत सारा मीडिया जो है वो सरकार के विपरीत खड़ा हो गया था, क्योंकि उनको समझ में आ गया था
कि एक बदलाव आने वाला है। अब जिस तरीके से मोदी जी के खुद के साथी, जो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे खुद के साथी मुझसे धीरे धीरे बिछड़ रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था जब उनके हाथ से सत्ता जाने वाली थी, तो क्या ये इशारा उस तरफ है कि मोदी जी, क्योंकि अब उनको भनक पड़ गई है कि अब हिंदू के नाम पर, राम के नाम पर, पुलवामा के नाम पर और किसी अन्य मुद्दे के नाम पर पोलराइजेशन, सांप्रदायिकता, उनको सहारा नहीं मिल रहा है तो उनको वोट नहीं मिलेगा, तो क्या उनके साथी उनको धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि मोदी जी को अब पता लग गया है कि मेरा अगली बार आना मुश्किल है। इसलिए आपने देखा किस तरीके से जो पहले फेज के इलेक्शन में जो नरेशन चल रही थी, चौथे फेज के इलेक्शन में भी नरेशन बदली नहीं, और 25 मई के इलेक्शन 13 के बाद 18 और 25 अगले दो फेज में भी ऐसा लग रहा है कि नरेशन बदलने वाली नहीं है, तो फिर तो ये एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा। तो जब एक तरफा इलेक्शन हो जाएगा तो लाखों करोड़ों रुपया जो मोदी जी का खुद का लगा है, उस पैसे का क्या होगा, इस पे सवाल ये खड़ा हो जाता है। जी, कन्नौज सीट से ही क्योंकि अखिलेश इस बार चुनावी मैदान में है और बीजेपी के जो सुब्रत पाठक हैं, क्या उनसे सीट छीन पाएंगे अखिलेश, आपको क्या लग रहा है? कन्नौज में ही हमने तीनों नेताओं को देखा था, इंडिया अलायंस के, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या संजय सिंह हो, और राहुल गांधी ने एक दावा भी कर दिया मन से कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी, तो इसी तरह का कमोबेश दावा राहुल गांधी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त भी किया था। मध्य प्रदेश को लेकर वो काफी आश्वस्त थे लेकिन दाव उल्टा पड़ गया था। इस बार भी इस तरह की आशंका से आप इनकार करेंगे कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं मंच से, उसमें अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं? देखिए, इसमें एक बात तो तय है, भारतीय जनता पार्टी 220 से 225 सीटें लेके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकती है। कई लोग आंकड़ा लगा रहे हैं कि 180 मिनिमम और 220 मैक्सिमम, पर मेरा मानना ये, अगर 180 पे अगर भारतीय जनता पार्टी का भाग्य टिका है तो वो 150 तक भी जा सकता है, क्योंकि जब स्लिप होगा तो वो 180 से 150 तक भी जा सकता है। और दूसरी तरफ अगर 220 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, वाइस प्रेसिडेंट उनका है, इलेक्शन कमीशन उनका है, सारी कार्यपालिका उनकी है, तो जाहिर सी बात है वो एक महीने का समय भी मांग सकते हैं सरकार बनाने के लिए, और जब एक महीने का समय मांगेंगे तो जोड़ तोड़ की राजनीति भी होगी, सब कुछ होगा। जहां तक आपने कन्नौज की बात की, अखिलेश ने ऐन मौके पर ये खुलासा किया कि वो कन्नौज से पर्चा भरेंगे। आखिर तक पता नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर सामने आया कि कन्नौज से वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। हमारे साथ आत्मजीत सिंह जुड़े हुए हैं, आइए उनसे समझते हैं कि कन्नौज को लेकर एक रणनीति सपा के मुखिया ने अपनाई और उस रणनीति का कितना फायदा, आपके पास जो भी आपके पास समीक्षा आपने कर रखी है या आकलन है। मैं पहले शुरुआत उस मंच के असर से करना चाहूँगी, जब तीनों नेता वहाँ पर थे, संजय सिंह थे, राहुल गांधी थे, अखिलेश यादव थे, तो इंडिया गठबंधन की ये जो संयुक्त रैलियां हो रही हैं, इसका जनता के बीच में किस तरह का उत्साह या फिर असर देखने को मिल रहा है? देखिए, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आपने देखा असेंबली इलेक्शन में मात्र 2.5-3% वोट उनको मिला, 2 से 2.5% वोट उनको मिला। समाजवादी पार्टी की असेंबली पोजिशन बहुत अच्छी थी, 30-32% वोट उनको जो है कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मिला, तो एवरेज अगर 30% पकड़ लें और 2-2.5% वोट कांग्रेस का पकड़ लें तो 32-32.5% वोट हो जाता है। बीजेपी का जो दलित एसटी ओबीसी वोट का जो 50% अगर वोट भी उनका टूट जाता है तो जाहिर सी बात है कि गठबंधन 35% से आगे निकल जाएगा, और 35% से आगे निकलने का सवाल यही होता है कि अगर 40% वोट सिक्योर कर लेता है इंडिया गठबंधन तो बीजेपी 40 से 45 सीटें हार जाएगी। और कन्नौज को इसीलिए लड़ा जा रहा है क्योंकि आपने देखा यादव परिवार की 5 सीटें इस बार लड़ी गई हैं, इतनी सीटें कभी भी यादव परिवार ने इकट्ठे नहीं लड़ी। आजमगढ़ का इलेक्शन बाकी है, कन्नौज का इलेक्शन कल परसों हो जाएगा, और बाकी जो मैनपुरी का और बदायूं का चुनाव हुआ है उसमें रिपोर्ट्स आ गई हैं कि उसमें इनके तीनों कैंडिडेट्स जो अक्षय यादव हैं, आपके रामगोपाल के लड़के हैं, शिवपाल के लड़के हैं और डिम्पल हैं, उनका चुनाव आराम से निकल रहा है। आजमगढ़ कन्नौज का सिर्फ चुनाव भी निकल जाता है तो 5 मेंबर पार्लियामेंट तो इनके घर के हो जाएंगे, उसके अलावा 15 सीटें या 16 सीटें सिक्योर करना कोई समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। और कांग्रेस जो है 5 से 7 सीटों पर, अगर इलेक्शन एक तरफा हो गया तो कांग्रेस की भी 10 सीटें आ सकती हैं, 10 सीटों का आकलन हमने किया है, 5 से 7 सीटें कहीं नहीं गई, तो 5 से 7 सीटें ये
और 20 सीटें ये, 37 से 38 सीट अगर इंडिया अलायंस ले जाता है तो मोदी सरकार की मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। इसीलिए कन्नौज की सीट लड़ी जा रही है। कन्नौज में जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं सुब्रत पाठक, वो जब उनके सामने, अखिलेश के सामने उनका कद छोटा नजर आता है। बीएसपी ने एक मुसलमान उतारा है, इस बार 20 मुसलमान कैंडिडेट बीएसपी ने उतारे हैं, पर सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक बात खुल के आ रही है कि बीएसपी में वोट जाया नहीं करना है, सिवाय अमरोहा के और चंदो अपना अमरोहा के और बिजनौर के, कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें थोड़ा बहुत मुस्लिम वोट भी जो है बीएसपी को ट्रांसफर हुआ हो। तो ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी खबर है और मुस्लिम कैंडिडेट उतारने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अखिलेश यादव को एक मुस्त जो है उनका यादव मुस्लिम वोट बैंक मिलेगा। पासी वोट जो है वो कई हलकों में 50-50 होगा, 100% पिछली बार जैसे बीजेपी को पड़ा था वो नहीं पड़ेगा। कुर्मी वोट भी जो है बनारस में जो है वो 50-50 होगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आ रही है कि अगर बनारस में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बिकॉज आप पता होगा कि आम आदमी पार्टी के जब पहले इलेक्शन 2014 में अरविंद केजरीवाल लड़े थे तो 2.5 लाख वोट पाए थे, अगर कैंडिडेट अजय राय हैं इस समय, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अगर कैंडिडेट बदल दिया जाता है बनारस में तो ये इलेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अभी नामांकन और नाम वापस लेने की प्रक्रिया में समय है, तो हो सकता है बनारस में भी कोई उलटफेर करके मोदी जी के कद को छोटा करने की कोशिश की जा सकती है इंडिया अलायंस द्वारा। तो ये किस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि कैंडिडेट बदला जा सकता है, इसकी कितनी संभावना है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नाम आ सकता है इसमें? कांग्रेस की तरफ से भी बड़ा नाम आ सकता है, प्रियंका गांधी का नाम भी चल रहा है बनारस की सीट के लिए, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब जेल से छूट गए हैं वो भी, क्योंकि वो भी कहीं कैंडिडेट नहीं है, हो सकता है बनारस की सीट के लिए अगर वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं मोदी जी को चैलेंज कर दें तो 1 जून को 2 जून को उनको वापस तिहाड़ जाना है, उससे पहले कहीं ऐसा ना हो 1 जून को मोदी जी की वो छुट्टी करके 2 जून को तिहाड़ जेल वापस है। जी तो बहुत बड़ा उलटफेर आप इसके संकेत दे रहे हैं कि बनारस से इंडिया अलायंस की ये रणनीति दिखती है, लेकिन वो रणनीति कहीं ना कहीं जो आखिरी मौके पर अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि वो कन्नौज से नामांकन भरेंगे, ये उलझन थी या फिर ये रणनीति अपना रही है इस बार इंडिया अलायंस कि वो अपने पत्ते आखिर आखिर तक खोलती नहीं है? देखिए लीडर वही होता है जो फ्रंट से लड़े, सेनापति वही होता है लड़ाई में जो सबसे आगे खड़ा हो। आपने कितनी भी लड़ाई, आप पलासी की बैटल देख लीजिए, पानीपत की लड़ाई देख लीजिए, आज़ादी की आप हमारी लड़ाई देख लीजिए, मुगलों से जो हमारा देश लड़ा उसको देख लीजिए, इन सब लड़ाइयों में जितने भी सेनापति रहे या जिन्होंने लड़के लड़ाइयाँ जीती हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप हों या हरि सिंह नलवा हों या जितने भी रानी झांसी हों, तो ये सब फ्रंट से लड़े। तो मुझे लगता है कि अब अपोजिशन को ये समझ में आ गया है कि मोदी पॉलिसीज को हटाने के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन को हटाने के लिए, देश के पब्लिक सेक्टर को और देश की जो बिकवाली हो रही है इस बिकवाली को रोकने के लिए सबको फ्रंट पे आके लड़ना पड़ेगा, और यही शायद भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने इसका आगाज किया। और राहुल गांधी क्योंकि अब खुद रायबरेली से लड़ रहे हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि वो फ्रंट से नहीं लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी में ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि जब तक हम लोग मिलके इकट्ठे नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा काडर, हमारा जो कैंडिडेट हैं बाकी 78 डिस्ट्रिक्ट्स में या 78 लोकसभाओं में, उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो लीड फ्रॉम द फ्रंट के अंतर्गत ही ये पॉलिसी दी गई है। मुझे इसीलिए लगता है कि बनारस में शायद कैंडिडेट बदलेगा, कोई बड़ा नाम मोदी जी के खिलाफ खड़े करने की और मोदी को चैलेंज करने की बात चल रही है। मोदी जी कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। इस इलेक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और भी है, आखिर में मैं आपसे बताऊंगा, इस इलेक्शन में नरेशन जो है वो कांग्रेस ने सेट किया। जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा निकली उन्होंने 25 न्याय गारंटियां दी और 5 न्याय में 5 वर्ग बताए, जो वर्ग जो है मोदी जी ने इंडोर्स किए, महिला वर्ग, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, नौजवान वर्ग, हिस्सेदारी किसान। तो जब उन्होंने ये सब बातें, जब उन्होंने अपनी सारी गारंटियां निकाल के रखी, जब उन्होंने लोगों से बात की तो उनको ये समझ में आ गया कि लोग चाहते क्या है और हमारी गलतियां कहाँ कहाँ हुई है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के प्रमुख गठबंधनों ने, खासकर सपा और कांग्रेस ने, इस पर बहुत अच्छा काम किया, और बीजेपी के पास मैनिफेस्टो में सिवाय मोदी जी के उपलब्धियों के अलावा कुछ देने के लिए था नहीं। यही वजह है कि मोदी जी की सेना जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नरेशन को ट्रेल करती नजर आ रही है। ये पहला इलेक्शन है 2014 के बाद जिसमें अपोजिशन नरेशन दे रही है
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन नरेशन दे रहा है और मोदी जी उसको जो है काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। और उनका जो काउंटर था महिला मुसलमान और मंगलसूत्र, वो कहीं ना कहीं मोदी जी पर खुद ही भारी पड़ गया। और ये जो टेम्पो उन्होंने अदानी अंबानी का चला दिया, उससे तो और मुसीबतें बढ़ गई। जी, तो उत्तर प्रदेश से भी जो आपने यहाँ पर अपना आकलन रखा है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल, और बनारस सीट को लेकर जो आपने एक नया खुलासा या संकेत दिया है, ये भी किसी बड़े उलटफेर की बात को दर्शाता है। मैं समझना चाहूँगी कि केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, इसका उत्तर प्रदेश में कितना असर देखने को मिल रहा है? आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या केजरीवाल को जेल भेजना, लोगों को ये लगता है कि वो राजनीतिक रूप से शिकार बनाए गए हैं, फंसाए गए हैं, साजिश का वो शिकार बनाए गए हैं, पीड़ित हैं, और अब जब जेल से वो बाहर आ रहे हैं तो वो जो भी बोल रहे हैं, चाहे उन्होंने आज ये कह दिया कि अमित शाह ही प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी उनके लिए वोटों की अपील कर रहे हैं, ना कि जो मोदी गारंटी बात कर रहे हैं, तो मोदी की गारंटी अमित शाह कैसे पूरी करेंगे? आत्मजीत जी, जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से आम आदमी पार्टी में एक बड़ी स्फूर्ति आई है, क्योंकि सबसे बड़े लीडर हैं और जो केजरीवाल साहब हैं वो डिसीजन मेकिंग खुद अपने पास रखते हैं। तो जिस तरीके से जब केजरीवाल साहब को जेल हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी का क्या होगा, कहीं अनाथ सी लगती नजर आ रही थी। अब सडनली उनके बाहर आने से और आते ही उन्होंने जो धमाका किया और कहा कि अमित शाह ही अगले साल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मोदी जो है वो रिटायर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश और दिल्ली और हरियाणा की एक सीट सुशील गुप्ता की, कुरुक्षेत्र की, इस पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। मेरा वैसा मानना है पंजाब में इस दफा 4 से 5 सीटें आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में लगभग 3 सीटें, जिसमें प्रमुख सीटें साउथ दिल्ली की आपके पहलवान सही राम की, महाबल मिश्रा की वेस्ट की सीट, और ईस्ट की कुलदीप कुमार, ये 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। पंजाब में 4 से 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि उनकी सरकार है स्टेट में, इसलिए 4 से 5 सीटों पर वो अच्छा लड़ेगी, और कुरुक्षेत्र की सुशील गुप्ता की सीट भी वो जीत के आएगी। तो जिसके पास एक भी लोकसभा में एमपी नहीं है, राज्यसभा में 7 एमपी है, तो अगर वो 8 एमपी लेके लोकसभा में आती है तो 15 एमपी के साथ आम आदमी पार्टी एक बड़ी फोर्स बनेगी, और वो इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार में मौजूदा जो स्वास्थ्य और आपकी एजुकेशन नीतियां हैं, जो स्वास्थ्य जी, तो इन नीतियों पे वो बड़ी भूमिका निभाएगी। अगर उनको स्वास्थ्य मंत्रालय मिल जाता है या उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल जाता है, तो लोगों को ये लगेगा कि शायद दिल्ली मॉडल है, जिसमें लोगों को मोहल्ला क्लिनिक्स मिली, लोगों को जो है पढ़ाई के अच्छे स्कूल मिले, उन स्कूलों से बच्चे जो है आईआईटी नीट के एग्जाम भी क्लियर कर रहे हैं, तो एक भरोसा उस सरकार में आम आदमी पार्टी जो है वो सेंटर में रह के भरोसा जता सकती है लोगों जी। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस किस तरीके से कड़ा मुकाबला दे रहा है बीजेपी को, और लगभग जो क्लीन स्वीप बीजेपी के ये जो चौथे चरण की जो सीटें हैं, 13 सीटें जिसमें मतदान होने वाला है, जिन पर उस पर अभी बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इन सीटों पर भी बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है। आइए अपनी बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आत्मजीत सिंह दोबारा स्वागत कर लेंगे चर्चा द ट्रुथ में। सर, कैसरगंज सीट जो है, एक दिन पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है आरोप तय हो गए हैं, लेकिन उनका बयान आता है पहले कि पार्टी ने हमेशा मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, इसलिए बेटे को टिकट दे दिया गया। लेकिन गोंडा से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसमें वो कहते हुए देखे गए हैं कि असली खेला होना तो बाकी है, वो क्या इशारा कर रहे हैं? देखिए, असली खेला ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाएंगे, और ब्रजभूषण शरण सिंह जब वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से निकाले गए थे, उसके बाद इन्होंने अपने ही प्रॉक्सी आदमी को फिर से इलेक्शन जितवा के संजय सिंह को वहां बैठा दिया जी। और जब इसका विरोध पहलवान बेटियों ने किया, पहलवान बहनों ने किया, खासकर साक्षी मलिक ने और बाकी बजरंग पुनिया ने किया, तो उसके बाद क्योंकि अनुराग ठाकुर ने कहा था कि उनका कोई प्रॉक्सी आदमी जो है वो इंडियन रेस्लिंग फेडरेशन का नहीं बनेगा, और उसके बाद जब उसमें कुछ अहम फैसले किए गए, जिसमें कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई, और उसके बाद वो अपॉइंटमेंट्स को रोक के उनके सारे डिसीजंस को निरस्त किया गया। एक बात आप समझ लीजिएगा कि संजय कुमार सिंह का जो इलेक्शन था उसको निरस्त नहीं किया गया, वो अपने पद पे आज भी बने हुए हैं, हालांकि उस पद पे वो कुछ कर नहीं सकते जब तक इलेक्शन चल रहा है। जब वो खेले का इशारा करते हैं तो उनका खेले का इशारा ये है कि अगर तुम मोदी सरकार तीसरी बार जीत के आ गई तो मेरे सारे आरोप खत्म हो जाएंगे और वापस मेरा वर्चस्व जो है
इंडियन रेसलिंग फेडरेशन पे हो जाएगा और पहलवान बेटियों का और बहनों का जो उत्पीड़न है वो फिर से शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सरकार में आपने हाथरस में देखा है, दलित बेटी को 2:30 बजे जला दिया गया और इनके कुलदीप सेंगर उसमें सोशल सिविल सोसाइटी के लोगों ने जब तक आवाज नहीं उठाई अब तक उन्हें जो है जेल नहीं हुई, इसके बाद 10 साल की उनको सजा हुई। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर में भी एक जो बेटी थी हमारी उसको 9 साल की बेटी को वहां के पुजारी ने रेप किया। तो बहुत सारी महिला उत्पीड़न के मामले हैं सरकार के खिलाफ और इस वजह से ये सरकार बिल्कुल महिलाओं के मामले में संवेदनशील नहीं है। एक तरफ तो पार्लियामेंट लगाकर वो वुमेन रिजर्वेशन बिल की वंदना अधिनियम की बात करती है, महिला वंदना अधिनियम की बात करती है, और दूसरी तरफ महिला सुरक्षा के मामले पर उन्हीं के जो शोषण करने वाले लोग हैं, मंत्री हैं, उनको उनका संरक्षण करते हुए दिखती है। तो जो खेले की बात वो कर रहे हैं, वो खेला की बात यही है कि उनके बेटे को तो टिकट मिली गई है, अपने बेटे को तो चुनाव जिता भी सकते हैं वो, पर उनका क्या होगा? क्योंकि उन्होंने कोर्ट में बहुत बहुत कोशिश की कि चार्जेस उनके खिलाफ ना फ्रेम हो पाए, इन्वेस्टिगेशन अभी चलती रहे, पर जब कोर्ट ने मना कर दिया कि इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, इसमें सारे सबूत और विटनेसेस जो है ऑन रिकॉर्ड हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर चुकी है, तो जाहिर बात है अब चार्जेस फ्रेम होंगे और बृजभूषण शरण सिंह का बचना इस केस में मुश्किल। लेकिन मैं समझना चाह रही हूँ कि जब वो जा रहे हैं चुनावी जनसभाओं में जा रहे हैं और उनके खिलाफ इतनी संगीन धाराओं के तहत आरोप तय हुए हैं, तो फिर क्या उन जनसभाओं में महिलाओं का आकर्षण कितना हो पा रहा है, या फिर महिला पहलवानों के साथ जो यौन उत्पीड़न का मामला है इसके प्रति वहां पर कोई जो है जनता के बीच में कुछ आकर्षण नहीं दिख रहा? देखिए इस बार अगर आप एक चीज को ध्यान देखेंगे, इस बार वोट कम पड़ा है उत्तर प्रदेश में, खासकर बहुत सी सीटों में 53-55% वोट पड़ा है जी। और कुछ बड़ी सीटों में जहां अर्बन एरियाज हैं उनमें अर्बन एरियाज में तो वोट 53% से भी कम है। कुल मिलाकर अगर 59% वोट भी आप टोटलिटी में गिन लें तो इसमें बहुत सारी महिलाएं जो बीजेपी को अब वोट देने नहीं जा रहे, क्योंकि उनको लग रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा में बीजेपी फ्लॉप रही है। और बहुत सारा अर्बन वोटर जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोटर था, जहां पे आरएसएस के कार्यकर्ता और पन्ना प्रमुख वोट मांगने जाया करते थे, खासकर मेरठ में, बड़े शहर उपमहानगरों में, गाजियाबाद में, ग्रेटर नोएडा में, आगरा में, मथुरा में, वो लोग खुद ही कह रहे हैं कि इस दफा पन्ना प्रमुख और आरएसएस का कार्यकर्ता वोट मांगने नहीं निकला है। तो हो सकता है कि मोदी सरकार की विफलताएं हों जिसको लेकर वो पब्लिक को फेस ना कर पा रहे हों, इसीलिए वो पर्ची को भेज रहे हैं, बस्ता तो ले रहे हैं, पर वो पर्ची लेने के बाद वो पर्ची उनके घर छोड़ के आ रहे हैं, पर उनसे निवेदन नहीं कर रहे मोदी जी के नाम पे वोट करने का। क्योंकि मोदी जी की गारंटी जो है उसने सारी जनता को एक तरफ कर दिया है और महिलाओं की सुरक्षा में उन्होंने कोई गारंटी ना मैनिफेस्टो में दी ना 10 साल की सरकार में दी। तो महिलाओं में बहुत रोष है और नोटबंदी में जिस तरीके से महिलाओं का जो स्त्री धन होता है वो उन्होंने बाहर निकलवा दिया और उसके बाद वो धन उनके पास वापस नहीं गया। स्त्री धन वो धन होता है जो मुसीबत में घर में काम आता है, जब घर पे कोई मुसीबत आती तो स्त्री ही पैसा निकाल के देती है, कहते हैं ये जाओ इसे सामान ले आओ या अपना कर्जा कर दो। मंगलसूत्र की जो बात करते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र उन्होंने खुद ही जो है गिरवी रखवा दिए, क्या मंगलसूत्र की सुरक्षा करवाएंगे? तो ये सब बातें जो है वो वोटिंग परसेंटेज पे भी रिफ्लेक्ट कर रही हैं और लो वोटिंग परसेंटेज का आप सीधा सीधा आकलन लगा सकते हैं कि मोदी जी का जो ट्रेडिशनल वोटर था वो मोदी जी के वोट डालने से बाहर नहीं जा रहा है। बिल्कुल, वो अपने घरों पर ही रहना बेहतर समझ रहा है। लेकिन आत्मजीत सर, ये भी आपसे समझ लेना चाहूँगी, एक बहुत ही अहम बात जो है नरेंद्र मोदी ने कही है शरद पवार के लिए। आपको ज़रूर पता होगा उन्होंने खुला ऑफर दे दिया है कि आप जो है एनडीए में शामिल हो जाए, जिसको रिजेक्ट कर दिया है शरद पवार ने भी। मन से नरेंद्र मोदी कहते हुए नज़र आते हैं शरद पवार के लिए कि आप इधर आ जाइए, क्योंकि कांग्रेस में विलय की बात को लेकर उन्होंने कुछ दिन पहले इस तरह की संभावनाओं का जिक्र किया था। तो आप इस तरह के ऑफर जो कि नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रही है शरद पवार के लिए, आप इसको किस तरह की राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं? देखिए, उससे पहले शरद पवार जी का एक बयान आया था जी, उन्होंने ये कहा था कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं वो या तो इंडिया अलायंस में आ जाएंगे या वो बीजेपी में चले जाएंगे। तो छोटे क्षेत्रीय दलों का जो आगे आने वाला समय है, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो इतने बड़े स्केल पे हो गए हैं, उसमें इतना प्रोपेगेंडा हो गया, इतना खर्चा बढ़ गया है कि अब छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों की फंडिंग जो है वो होनी बड़ी मुश्किल है। तो इसलिए उनका विलय हो जाना ही अच्छा है जी। तो इसमें मोदी को खतरा ये लगा कि जो एनसीपी
और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना को वो तोड़ के लाए उद्धव ठाकरे की शिवसेना से और शरद पवार के अपना एनसीपी से एनसीपी से, तो उसमें फिर कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस जो है अपनी अपनी जो एल्मा मैटर है या उनकी जो जिस पार्टी से उनका जो टूटी थी वो वापस जी उसमें कहीं वापस ना चली जाए। तो इसलिए मोदी जी को वो काउंटर बयान देना पड़ा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो बाकी के दो बचे हैं एनसीपी जो शरद पवार वाली है और उद्धव ठाकरे वाला जो शिवसेना है वो हमारे पास आ जाएं, क्योंकि आप दो पार्टियां तो हमारी तरफ आई गई हैं, आप दोनों भी आ जाइए। तो ये उनका काउंटर बयान था, ये उनका डर था, ये उनका डर जो है वो अब उनकी स्पीचेस में झलक रहा है। जब वो ये कह देते हैं कि संविधान को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संविधान की हमने कसम खाई है, संविधान को हम कुछ नहीं होने देंगे, तो फिर उन्होंने संविधान के तहत जो आरक्षण है या संविधान के तहत जो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं, जो प्रोटेक्शन है, वो क्यों नहीं उन्होंने मुहैया कराई। अब सडनली इलेक्शन में उनको संविधान की याद आ रही है, पर संविधान को उन्होंने लंघन किया क्योंकि उन्होंने जब 400 पार का नारा दिया तो उसका विश्लेषण उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के कैंडिडेट्स ने कई दफा ये कहा कि क्योंकि अब समय आ गया है संविधान को बदल देना चाहिए। तो जब ये उनकी पार्टी के खुद ही लोग कह रहे हैं तो अब मोदी जी को सफाई देनी पड़ रही है कि 400 पार जो है संविधान के लिए नहीं था, तो संविधान के लिए नहीं था तो 400 पार आप कह क्यों रहे थे जी। मुझे लगता है मोदी जी अपने ही ट्रैप में फंस गए हैं और अब उनका बच पाना मुश्किल है। बिल्कुल, मैं अब जाते जाते एक आखिरी सवाल अमेठी और रायबरेली को लेकर भी समझना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश में अमेठी नहीं गए राहुल गांधी, रायबरेली को चुन लिया और बीजेपी इसी को जो है अपने प्रचार में शामिल कर रही है कि वो भाग खड़े हुए स्मृति ईरानी का कड़ा मुकाबला वो नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने पहली अपनी हार मान ली है। क्या जनता भी, अमेठी की जो जनता है वो केएल शर्मा को कांग्रेस का उम्मीदवार पाकर किस तरह का रुझान या किस तरह का जो है चुनाव के प्रति अपना उत्साह दर्शा रही है या नहीं दर्शा रही है, या फिर स्मृति ईरानी की ही लहर है? बहुत बड़ी चाल थी भारतीय जनता पार्टी की कि इतना प्रेशर बना दिया जाए कि राहुल गांधी अमेठी से खड़े हो जाएं और स्मृति ईरानी जो कि राहुल गांधी पे पार्लियामेंट में भी आंख मारने का इल्जाम लगा चुकी है, जो कि एक बहुत घिनौनी बात है कि जो आदमी पार्लियामेंट में पिछले 20 साल से है वो ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता, और वो जब किसी और से मुखातिब था तो आप ये कह रही हैं कि वो आपको आंख मार रहा था। तो स्मृति ईरानी तो किसी हद तक जा सकते थे, he was just flying जी जी आंख मार रहे थे, फ्लाइंग किस दे रहे थे, मतलब एक महिला के प्रति आप फ्लाइंग किस और ऑब्जेक्शनल जी। अब उसमें जब ये चीजें आ जाती हैं तो उसमें ये समझ में आ जाता है कि आप तो कीचड़ उछालने के लिए कोई भी पैतरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्मृति ईरानी अपना इलेक्शन राहुल गांधी को टारगेट करके लड़ना चाह रहे थे और एक नरेशन बनाना चाह रहे थे। इस नरेशन की जो भनक है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ गई, तो इसीलिए राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट चुनी जो उनकी माता जी की और उससे पहले फिरोज गांधी की भी वो सीट रही है, ट्रेडिशनल सीट रही है गांधी परिवार की। और वरुण गांधी को भी इन्होंने करने की कोशिश की कि रायबरेली में वरुण गांधी अगर बीजेपी की टिकट पर खड़े हो जाते हैं तो एक फैमिली वॉर या फैमिली फाइट दिखाई जाए, पर वरुण गांधी स्मार्ट निकले, उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। और अमेठी से जो उनके कार्यकर्ता हैं केएल शर्मा साहब, वो किशोरीलाल शर्मा साहब, वो कांग्रेस में यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं पिछले 22-25 सालों से, इनफैक्ट राजीव गांधी के समय से वो अमेठी में काम कर रहे हैं। तो उनको खड़े करने से स्मृति ईरानी का जो प्रोपेगेंडा उनको बनाना था या प्रोपेगेंडा स्टोरी थी वो जो है उनकी जैसे केरल स्टोरी थी वैसे प्रोपेगेंडा स्टोरी थी, उस प्रोपेगेंडा स्टोरी को उनको हवा नहीं मिली, उस आग को हवा नहीं मिली और आग वो वहीं बुझ गई। और कई लोगों का ये कहना है कि वो आग ऐसी बुझी कि अब हालत ये है बीजेपी की कि गई भैंस पानी में जी। तो स्मृति ईरानी की जीत पर भी इस बार संकट, यानी कि यहाँ पर भी जो है कांग्रेस का ही पलड़ा जी भारी दिख रहा है। बहुत बहुत तौर पे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, खास करके चुनाव के दौरान बहुत ही मुश्किल हो जाती है इतना लंबा समय देना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से, आपका आभार भी। दर्शकों से अनुरोध करूँगी कि आपको चर्चा द ट्रुथ से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुँचानी है, अपना कीमती फीडबैक ज़रूर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे सीधे ईमेल भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगले हफ्ते होगी फिर किसी विशेष विषय और विशेष अतिथि के साथ मुलाकात। नमस्कार।